आज हम एक्सरसाइज नंबर 3.4 जो के थर्ड चैप्टर पॉलिनोमियल्स का एक प्रॉब्लम है, तो इस प्रॉब्लम में हमें दो जीरोस दे दिए और हमको रिमेनिंग जो जीरोस है वो फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये लिखूंगा कि गिवन पॉलिनोमियल जो दिए हमको वो मैं लिख लूंगा। व्हाट इज़ अ गिवन पॉलिनोमियल? सो गिवन पॉलिनोमियल इज पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 3x टू द पावर ऑफ 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। देन नेक्स्ट यहां पर हमको दो जीरोस दे दिए। सो गिवन जीरोस आर x इज इक्वल्स टू रूट 5 बाई 3 एंड x इज इक्वल्स टू रूट माइनस रूट 5 बाई 3। पहले मैं रूट 5 बाई 3 को ये साइड ला लूँगा, सो इट विल बी x माइनस रूट 5 बाई 3 इज इक्वल्स टू 0 एंड दिस वन विल बी x माइनस रूट 5 बाई 3 अगर यहाँ पर आ गया तो ये हो जाता प्लस रूट 5 बाई 3 इज इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, सो x माइनस रूट 5 बाई 3 इंटू एक्स प्लस रूट 5 बाई 3 इज इक्वल्स टू 0। ये ऐसे फॉर्म में है a प्लस b इंटू a माइनस बी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ पर a की जगह पे है x, x स्क्वायर माइनस बी की जगह पे है रूट 5 बाई 3 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 स्क्वायर रूट दिस विल गेट कैंसल्ड एक्स स्क्वायर माइनस 5 बाई 3 इज इक्वल्स टू 0 3 इंटू एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस 5 बाई 3 इज इक्वल्स टू 0। ये 3 जब 0 से मल्टीप्लाई हो जाता तो ये हो जाता 0, सो 3x स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। ये क्या है? ये है फैक्टर, किसका फैक्टर है? p ऑफ x का इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x। नेक्स्ट ये फैक्टर है p ऑफ x का, तो हमें क्या करना है, इसको p ऑफ x को 3x स्क्वायर माइनस 5 से डिवाइड करना है। सो हम डिवाइड करेंगे, सो 3x स्क्वायर माइनस 5 इज डिवाइडिंग 3x टू द पावर ऑफ 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? 3x टू द पावर ऑफ 4, और यहां पर फर्स्ट टर्म क्या है? 3x स्क्वायर, तो पहले हम वो डिवाइड कर लेंगे, सो 3x टू द पावर ऑफ 4 बाय 3x स्क्वायर 3 विल गेट कैंसल, x टू द पावर ऑफ 4 में से x स्क्वायर निकाल देंगे तो कितने बचेंगे? 2, सो x स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ये x स्क्वायर से हम मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर माइनस 5 को, सो 3x स्क्वायर माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर इंटू 5 माइनस 5x स्क्वायर। देन नेक्स्ट x स्क्वायर इंटू 3x स्क्वायर, x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर मीन्स x टू द पावर ऑफ 4, सो 3x टू द पावर ऑफ 4 किससे मल्टीप्लाई करें? x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, तो आंसर क्या आया? 3x टू द पावर ऑफ 4, क्योंकि हमारे पास x क्यूब नहीं है तो x क्यूब की जगह हम एम्प्टी छोड़ देंगे और लिखे माइनस 5x स्क्वायर, जो कि x स्क्वायर के नीचे लिखूंगा मैं। नेक्स्ट साइंस चेंज करेंगे, यहाँ पर प्लस है माइनस, यहाँ पर माइनस है प्लस, और ये 6x क्यूब नीचे आएगा, ये गया कैंसिल, और ये 5x स्क्वायर में से अगर हम 2x स्क्वायर निकाल दिए तो कितने बचते? 3x स्क्वायर, यहाँ से मैं लूँगा 6x क्यूब, ये है प्लस क्योंकि बड़ा नंबर प्लस है। देन नेक्स्ट 10x को नीचे लेंगे, सो माइनस 10x। देन नेक्स्ट अगेन फर्स्ट टर्म एंड फर्स्ट टर्म ऑफ दिस, सो इट विल बी 6x क्यूब डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर, 3 वन जा 3, 3 टू जा 6,
एक्स क्यूब में से अगर हम एक्स स्क्वायर निकाल देंगे तो कितने बचेंगे, सिर्फ एक्स। सो व्हाट इज रिमाइंडर, 2x। देन नेक्स्ट 2x को हम 3x स्क्वायर माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 3x स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2x। सो 2 5 जा 10x, 2 3 जा 6, x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, किसे मल्टीप्लाई करें, 2x से। सो 2x एंड व्हाट इज द आंसर, 6x क्यूब माइनस 10x, माइनस 10x। देन नेक्स्ट वी विल चेंज द साइंस, माइनस माइनस अगर है तो प्लस, दिस विल गेट कैंसल एंड दिस विल ऑल्सो। सो यहाँ पर क्या बचेगा, 3x स्क्वायर, और यहाँ से हम लेंगे माइनस 5 को नीचे, सो इट विल बी माइनस 5। 3x स्क्वायर माइनस 5 को अगर हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 5 आएगा, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से, क्योंकि 1 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आंसर आएगा, सो प्लस 1। सो आंसर इज 3x स्क्वायर माइनस 5। नाउ चेंज द साइंस, माइनस और ये है प्लस, ये कैंसिल हुआ, ये भी कैंसिल हुआ, रिमाइंडर इज 0। सो जो क्वेश्चन आया हम यहाँ पर लिख लेंगे, क्वेश्चन क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ये एक ऐसे फॉर्म में है, ये है एक फॉर्मूले के फॉर्म में, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो व्हाट इज द फॉर्मूला, ए प्लस बी होल स्क्वायर। ये ऐसे फॉर्म में है, वो कैसा बोले तो देखेंगे हम, एक्स स्क्वायर है प्लस 2ab, सो ए इज एक्स एंड व्हाट इज बी, बी इज 1। Why? Because if I multiply 2 into x, 2x and 2x 1s are 2x. So the answer is same. That's why we can able to write like this. Next, 1, agar main 1 ko square kara, toh bhi mere ko 1 is milinga. So that's why we can write like this. Next, ye aise form mein hai, toh a ki jagah pe hai x aur b ki jagah pe hai 1. So a plus b whole square. That means x plus 1 whole square. So ye quotient होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन। एक बार क्या करेंगे, इसको इक्वल टू जीरो लेंगे और एक बार इसको इक्वल टू जीरो लेंगे, एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू जीरो, एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू जीरो। सो प्लस वन अगर उधर गया तो ये क्या बन जाता, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वन एंड एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वन। सो वॉट आर द ऑल ऑफ इट्स जीरोस, देयरफोर All of its zeros are, क्या क्या है zeros, एक है root 5 by 3 जो लगा दे दिए कॉमन, दूसरा है root 5 by 3 माइनस root 5 by 3, उसके बाद में है जो हम आपको मिला माइनस 1 एंड माइनस 1 ओवर।